भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर नई बुलंदियों को छू रहा है। केंद्र सरकार द्वारा विगत 9 वर्षों में राजस्थान में 85,000 करोड़ रुपए निवेश मूल्य की सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई और राजस्थान का रेलवे बजट 700 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़कर इस वर्ष 9,500 करोड़ रुपए हो गया है। राजस्थान के विकास को और तेजी देता 22,500 करोड़ रुपए के निवेश से अमृतसर को जामनगर से जोड़ने वाले 917 किलोमीटर लंबी 6 लेन अमृतसर भटिंडा जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के राजस्थान राज्य से गुजरने वाले 502 किलोमीटर लंबे और 11,125 करोड़ रुपए लागत मूल्य के एक्सप्रेसवे का आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ कर कमलों द्वारा राष्ट्र के प्रति समर्पण हो रहा है। इसके निर्माण से अमृतसर से जामनगर के बीच की यात्रा का समय 23 घंटे से 12.5 घंटे रह जाएगा, जिसमें यात्रियों के लिए 25 विश्व स्तर की वे साइड अमेनिटीज स्थापित की जा रही हैं। पीएम गतिशक्ति मिशन अंतर्गत ये गलियारा 7 बंदरगाहों, 9 प्रमुख हवाई अड्डों, रक्षा हवाई पट्टियों तथा 2 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क के साथ साथ देश की पंजाब, राजस्थान और गुजरात स्थित 3 प्रमुख रिफाइनरी को जोड़ता है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजस्थान के बीकानेर और चूरू जिलों में लगभग 900 करोड़ रुपए के निवेश मूल्य की 2 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें बीकानेर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट तथा चूरू से रतनगढ़ 43 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। बीकानेर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के अंतर्गत स्टेशन बिल्डिंग को भूतल व 9 मंजिला बनाया जाएगा, जिसमें एग्जीक्यूटिव लाउंज, फूड कोर्ट, शॉपिंग मॉल और प्ले एरिया जैसी सहूलियतों के साथ लिफ्ट, एस्केलेटर, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चूरू से रतनगढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण से बीकानेर, हिसार और डेगाना की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। इस दिशा में ये सड़क और रेल परियोजनाएं राजस्थान के आर्थिक सामाजिक परिवेश को अधिक समृद्ध करेंगी।